वेलसो गाइज, आई होप यू आर इन वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा अपना बैकग्राउंड याद रखना चाहिए कि कहां से वो निकल कर आया है, तभी लाइफ में वो और आगे बढ़ पाएगा। अगर वो उसको याद नहीं रखेगा तो उसके अंदर एक वहम आ जाएगा, एक तरीका अहम आ जाएगा उसको, एक तरीके का वो नहीं होता, कहते हैं कि एक तरीका बू आ जाएगी उसके अंदर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में जरा सा उनको कुछ जिंदगी में कुछ मिला नहीं, ऐसा लगने लगता है कि धरती पे कोई एक धरती होने की, धरती पे पैर रखने के लिए तैयार नहीं है इंसान। तो ऐसी चीज आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के इंसानों से हमेशा आप लोगों को डिस्टेंस बनाकर रखनी है, क्योंकि वक्त उनको अपने आप तमीज सिखा देगा। पर आपको भी ये तमीज रखनी है कि जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाओ, पर लेकिन अपना बैकग्राउंड याद रखना है, अपना जहां से निकल कर आए उसके बारे में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तो जिंदगी में आप लोग हमेशा तरक्की करोगे। तो डेली ये दो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग सही तरीके से पूरा कंप्लीट तरीके से करंट अफेयर अपना कवर करना चाहते हैं तो ये दो वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, तो आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद में फिर हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ शानदार और नया डिस्कस करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आइए अब आप लोगों के सामने है आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। काफी प्यारे क्वेश्चन है, और अगर इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा तो पूरी जो वीडियो है उसका सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि यही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर आइंस्टाइनियम के बारे में। बोला गया कि ये डिस्कवर किया गया था एज ए कॉम्पोनेंट, जो डिब्री यानी कि जो मलबा मिला था यहां पर, ये फास्ट हाइड्रोजन बम जब फटा था तो उसके मलबे में से यहां पर ये कॉम्पोनेंट निकला था। तो ये फास्ट हाइड्रोजन बम जो था ये कब फटा था, ये आप लोगों को बताना है। XR जो है ये बोला जा रहा है कि एक इन्वायरमेंटल ग्रुप है यहां पर, जो कि यहां पर बेसिकली पब्लिक की अटेंशन चाहता है क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के इश्यू को लेकर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसी के साथ में ये डिमांड कर रहे हैं कि नेट जीरो एमिशन होना चाहिए कार्बन का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्लीटली जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, या फिर जितनी आप लोग निकाल रहे हैं उतने ही आप लोग उसको कंज्यूम करें यानी कि खत्म करें धरती पे से, तो उसको बोलते हैं जीरो एमिशन। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग चार पेड़ काट रहे हो तो आप लोग को चार पेड़ लगाने भी है, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करनी है। तो कब तक इनके द्वारा बोला गया कि इसको जीरो एमिशन को करना है, इस XR ग्रुप के द्वारा, ये आप लोग को बताना है। अभी किसके द्वारा बोला गया है कि जो सिटीजन राइट है ओन प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना उसका एक ह्यूमन राइट है, तो ये किसके द्वारा बोला गया है ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा स्टडी की गई है कि लैंड पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड द प्रॉपर्टी रिडक्शन, 2007 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, काफी इंपोर्टेंट है अगर बात करें लैंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां पर अगर हमारी कंट्री में आज के दिन में आप लोग नंबर ऑफ केसेस देखोगे जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें से 2/3 जो केसेस हैं ये लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है, यानी कि जमीन को लेकर जो विवाद आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई प्रॉपर्टी आप लोगों ने खरीदी और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है, यानी कि ऑलरेडी किसी और का क्लेम होता है, किसी और के द्वारा आपको बेचकर चला गया, तो उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि केस पहुंचेगा सीधा कोर्ट में। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर के केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज के दिन में। बोला जा रहा है कि 2/3 केस जो है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं केस कोर्ट के अंदर। तो ये किसके द्वारा स्टडी प्रस्तुत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। तो पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कहां पर लोकेटेड है, तो ये बेंगलुरु के अंदर यानी कि कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है। इसके द्वारा AgSbTe2 ये एक मटेरियल है, एक नया मटेरियल इनके द्वारा भी यहां पर ये खोजा गया है। ये क्या करता है, अगर कोई एनर्जी या कोई हीट जो है, बेसिकली हीट के बारे में बात करें, हीट कोई वेस्ट हो रहा है तो उसको टैप करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप गर्म होता है, तो बोला जा रहा है कि अगर लैपटॉप जो गर्म हो रहा है तो उसमें से हम लोग कोई फोन चार्ज कर सकते हैं। फोन अगर गर्म हो रहा है तो उसकी हीट में से हम लोग कोई घड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसी बेसिकली इनके द्वारा एक जो समझाने के पॉइंट ऑफ से मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी थ्योरी इनके द्वारा बोली गई कि जो भी हीट जो निकल रही है उसका कोई ना कोई यूज कर सकते हैं, तो ये टैप करेगा ये वाला मेटीरियल। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये कैसा प्रोसीजर है जो हीट को ट्रांसफॉर्म करता है कौन सी एनर्जी में, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने यहां पर एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़े होंगे सारे। ठीक है, इसी के साथ में मेकिंग पीस विद नेचर, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई, ये आप लोगों को बताना है। चेरापूंजी जो है हमारी कंट्री में आप लोगों को बताता सबसे ज्यादा बारिश जो पड़ने वाला जगह था, आप लोगों को ये बताना है। अब नया एक ऐसी जगह का नाम बताना है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जहां पर बारिश आज के दिन में देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है, यह है मोनसी नाम के बारे में। एक टाउन है हिली डिस्ट्रिक्ट मेघालय के अंदर, तो ये हिली डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पर्टिकुलर जो हिली एरिया है, इस हिल का नाम क्या है जहां पर ये आप लोगों को टाउन देखने को मिलेगा। ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में हो, किसलिए न्यूज में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, शानदार तरीके से बिल्कुल प्योर डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। एक एक न्यूज देखते हैं आइए। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लगी जो आप लोगों के साथ में एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तीन न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है अभी जो केमिस्ट है उनके द्वारा स्टडी की गई यहां पर आइंस्टीनियम के ऊपर, जो इसकी जो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी को चेक करने की कोशिश की गई लैब के अंदर में। ये जो मेटीरियल है इसका सिंबल है ES, ES इसका सिंबल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 99। आइंस्टीनियम जो है यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है ये कि एक पर्टिकुलर सीरीज है जो आप लोग जो बेसिकली जो आप लोगों ने 10th 12th में आप लोगों ने जो टेबल पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली ये एक्टिनाइड जो सीरीज होती है उसका ये कॉम्पोनेंट है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सारे वो कॉम्पोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो जो ऐसे कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं जिनको आप लोग रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ये उस सीरीज का नाम है यहाँ पर। तो आइंस्टीनियम को भी वहीं पर ही रखा गया है। ये जो डिस्कवर किया गया ये फर्स्ट हाइड्रोजन बम का जब एक्सप्लोरेशन देखने को मिला 1952 में, तो उससे यहां पर इसको निकाला गया और ये एक्सेप्शनली यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर रेडियो एक्टिव तत्व है। आज इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये जब इसका नाम रखा गया तो उस टाइम पर यहां पर जो आइंस्टीन साहब जो थे वो जिंदा थे और उनसे पूछा भी गया था कि क्या इसका तत्व का नाम आपके नाम से रिलेट कर रख सकते हैं, तो उनके द्वारा इसकी अनुमति भी दे दी गई थी। पर लेकिन एंड तक आते आते जब इसका नाम फाइनल किया गया, इसका नाम रखा गया, तब ये हमारे बीच में आइंस्टीन साहब नहीं थे, ठीक है, तो इनकी अनुमति तो उनसे ले ली गई थी पर लेकिन इसका नाम जब रखा गया तब ये हमारे बीच में नहीं थे। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बारे में इसके बारे में दूं, तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 99 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और जो इसका एटॉमिक वेट है वो है 252। और मैंने बताया आप लोगों को ये एक्टिनाइड जो सीरीज है उसका ये कॉम्पोनेंट है, तो उस सीरीज के अंदर जो बेसिकली टोटल मिलाकर 15 ऐसे जो मेटेलिक केमिकल एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो 89 से लेके 103 तक, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर आप लोगों को नजर आएगा। तो एक्टिनाइड जो सीरीज है यहां पर ये जिसमें आप लोगों को यहां पर 99 इसके बीच में देखने को मिलेगा, तो उसी सीरीज का यहां पर ये पार्ट है, ठीक है। इसका जो नाम है एक्टिनाइड सीरीज का वो एक्टिनियम जो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सीरीज का उससे इसका नाम निकाला गया है, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो ग्रुप थर्ड जो है यहां पर उसके अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर बात की जा रही है एक्सटेंशन, ये यहां पर एक्सटेंशन रिबेलियन, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट का जो इन्वायरमेंटलिस्ट है जो उनका एक ग्रुप है यहां पर, इसमें क्या काम किया जा रहा है, ये पब्लिक के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे आसपास में उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनके उसकी वजह से क्या नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को ट्रुथ बताना चाहिए, तो तीन की पोर्शन है यहां पर कि गवर्नमेंट को यहां पर टेल द ट्रुथ अबाउट द क्लाइमेट क्राइसिस। गवर्नमेंट छिपा कर रखती है, सच्चाई जनता के सामने नहीं आने देती है, तो सबसे पहले तो उनको ये जनता को इसके बारे में बताना चाहिए, पहले तो इनका ये मुद्दा है, तभी जनता अवेयर होगी और तभी इन चीजों के बारे में सॉल्यूशन निकालने की सोचेगी। दूसरा बोला गया यहां पर इनको एक्ट करना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2025, यानी कि 2025 तक कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। लास्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बोला गया कि क्रिएट करनी है सिटीजन की असेंबलीज जिसके थ्रू यहां पर एडवाइस किया जाएगा कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रांजिशनर्स के ऊपर उनको फोकस देकर चलना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सबको साथ में लेकर चलना है, तभी क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है उसको हम लोग सुधार पाएंगे, तो ऐसा यहां पर इसको बोला जा रहा है। तो दूसरे यहां पर ये इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको XR भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सटेंशन जो रिबेलियन है तो इसको XR के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यहां पर ये माना जाए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना ह्यूज इंपैक्ट यहां पर डालता है कि आज की डेट में जो एक स्टडी की गई उसमें ये बताया गया कि पहले जो बड़े बड़े प्राणी हुआ करते थे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर बोला जाता है कि यहां पर मैमोथ पाया जाता था, मैमोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हाथी नुमा आकृति का कुछ ऐसा जानवर था, ये वो जानवर है जो आज के डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो आप लोग यहां पर पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं ये आज के डेट में पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये बात की जा रही है कि ये यहां पर इस तरीके का जो जानवर पाया जाता था, और इसी के साथ में जो बात की जा रही है यहां पर ग्लाइप्टोडोन, ठीक है, तो ये यहां पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो बोला गया कि ये
क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर एक्सटिंक्ट हुए हैं, ना कि बहुत ज्यादा इनका जो शिकार किया गया इंसानों के द्वारा उसकी वजह से। बोला जा रहा है कि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था, उसके टाइम ड्यूरेशन के टाइम पर जो ये आप लोग एक बार ये देखें यहां पर जिसकी बात कर रहा हूं यहां पर। दूसरा, ये स्त्री का प्राणी था, कछुआ नुमा आकृति का ये प्राणी था, लेकिन इसकी हाइट अगर आप लोग देखेगा तो एक अगर बात करें 1.8 मीटर टॉल जो पर्सन है उसके जितना आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा, इतना इसकी लंबाई आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, और ऊंचाई भी इसकी किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो समझ सकते हैं कि कितना एक देखने में कितना खतरनाक लगेगा ये। तो जिस तरीके से डायनासोर वगैरह वो सारी चीजें थी उसी की प्रवृत्ति में यहां पर ये जिनावर था या जानवर था। और जो ये गायब हुए यहां पर, ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया यहां पर जब ये पाए जाते थे, प्लाइस्टोसिन इपोक। इपोक बोलते हैं एक युग को, ठीक है, एक पूरा युग जिसको बोलते हैं। तो प्लाइस्टोसिन जो इपोक है अगर उसको डिफाइन आप लोग करना है तो 2.6 मिलियन ईयर से लेकर यहां पर 11,700 ये ईयर एगो तक यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये बोला जा रहा है कि जो 26 लाख साल पहले से 11,700 साल पहले का जो पीरियड हुआ करता था उसको यहां पर प्लाइस्टोसिन इपोक के नाम से आप लोग जानते हैं। तो स्टडी जो की गई यहां पर बोला गया कि 13,000 ईयर एगो यहां पर काफी लो टेम्परेचर हो गया पृथ्वी के ऊपर खासकर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे जो जानवर हैं ये यहां से विलुप्त हो गए, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो जानवर है ये विलुप्त हो गए यहां पर उस टेम्परेचर की वजह से। तो एक ये स्टडी की गई है, नॉर्मली ये माना जाता था कि इंसानों के द्वारा हंटिंग की गई है और उसकी वजह से इनको मारा गया, तो कोई हंटिंग नहीं की गई है। ये अब स्टडी जो की गई है उसके चलते यहां पर ये नई बात सामने निकलकर आई है। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट यहां पर नेशनल न्यूज है। इस न्यूज में क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब था बेसिकली था हमारी कंट्री में कुछ ऐसी सिटी बनाना जो कि स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब हर तरीके से, पानी की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी वहां पर स्मार्ट होनी चाहिए। कोई भी वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर वे में वहां पर एक सही तरीके से चलनी चाहिए। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 25 सिटी सेलेक्ट की गई हैं, जिनमें बेसिकली बात की जाएगी यहां पर किस तरीके से, एक तरीके से यहां पर फोकस किया जा रहा है कि ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिटी हैं उनको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ताकि बच्चे भी अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा देखने को मिले। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन भी इसको लेकर होता होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी है यह है बेसिकली चाइल्डहुड स्टेज। यानी कि अगर कोई बच्चा है उसको कई बार न्यू बॉर्न बेबी बोल देते हैं, कई बार इन्फेंट बोलते हैं, कई बार टोडलर बोल देते हैं। तो ये क्या क्या होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी वो होता है जो 0 से लेकर 2 महीने का, यानी कि जिस दिन पैदा हुआ और 2 महीने के बीच का जो बच्चा होता है उसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है 2 महीने से लेकर 1 साल तक का, और जो टोडलर होता है टोडलर बोलते हैं 1 से लेकर 4 साल तक का, यानी कि बेसिकली उन्हें गुड़ियों चलता है जब, ठीक है, घुटनों पर चलता है बोलते हैं, ठीक है, तो उसको टोडलर बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, तो आप भी इस एज से होकर गुजरे हैं तभी आप लोग यहां तक पहुंचे। अब न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं क्या बात की जा रही है। बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जेस के द्वारा बोला गया 25 सिटी सेलेक्ट की गई, जिसमें नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज रखा जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो इनके अगर पूछे कि नर्चरिंग नेबरहुड जो चैलेंज है वो किस मिशन के तहत है, तो वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत है। ये जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में। तो यहां पर बेसिकली इसको 3 ईयर का एक इनिशिएटिव बोला जा रहा है, जिसमें यहां पर जो इंप्रूव किया जाएगा पब्लिक स्पेस, एक तरीके से मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ से नेबरहुड जो प्लानिंग है वो की जाएगी, एक्सेस किया जाएगा यहां पर, ताकि जो चाइल्डहुड इनके बच्चों के लिए अच्छा रहे, सर्विस और जो भी एमिनिटीज होती है बच्चों के खेलने कूदने के लिए, और डेटा मैनेज किया जाएगा अक्रॉस द सिटी जो एजेंसी है वहां पर, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वहां पर उसको टैकल किया जा सके खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ से। तो 3 साल का इनिशिएटिव यहां पर रखा गया, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लेकर अभी चल रहे हैं। एम बेसिकली ये कि जो अर्ली चाइल्डहुड रहता है बच्चा, तो उसके पॉइंट ऑफ से भी हम लोग सिटी को डेवलप करके चले, क्योंकि आगे चलकर वही बच्चा जो है वो देश का भविष्य बनेगा। तो स्टार्टिंग में अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है। इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की मिलीभगत है, यानी ये कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन है यहां पर, तो सॉरी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन सी है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, दूसरा यहां पर ये है बार्नेट वैन लियर फाउंडेशन, इसी के साथ में यहां पर वर्ल्ड रिसोर्स जो इंस्टीट्यूट है जिसको WRI बोलते हैं। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर रही है। जो सेलेक्ट की जा रहे हैं यहां पर इनके द्वारा सेलेक्ट सिटीज किसके बेस पर, जो प्रपोजल है बेसिकली रेडीनेस और कमिटमेंट, तो यहां पर इसके बेस पर इनको यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि कैपेसिटी डेवलप की जा सके पायलट बेसिस पर, और जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक माहौल क्रिएट कर सके, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अर्बन डिजाइन और जो सिटी प्लानिंग है यहां पर ये क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो बच्चा होता है ना स्टार्टिंग की एज का 0 से लेकर 5 साल की एज का, पता चला वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा
ज्यादा है सिटी के अंदर में, शोर बहुत ज्यादा है, पानी पीने वाला काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो ये सारी काफी चीजें हैं, क्योंकि जो बच्चा डेवलप होता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड होता है स्टार्टिंग का, जीरो से लेके पांच साल तक का। अगर उसमें ढंग से बच्चे का ध्यान रख लिया जाए तो आगे वो सही तरीके से चल पाएगा अपनी जिंदगी को लेकर। तो इनिशियल जो पांच साल होते हैं बच्चे के लिए काफी इंपोर्टेंट बताए जाते हैं, उसके माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी। अगर आगे आप लोगों से बात करें यहां पर, तो बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है ITCN, ये बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ स्मार्ट सिटी, ये जो बेसिकली सिटी मिशन है। तो ITCN क्या होता है पहले आप लोग ये समझिए, इसको बोलते हैं इन्फेंट, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, टोडलर, इसी के साथ में केयर गिवर और फ्रेंडली नेबरहुड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है यहां पर ये। तो अब मैंने आप भी बताया इन्फेंट टोडलर क्या होता है, तो उनको केयर देना है और फ्रेंडली नेबरहुड बनाना है उनके लिए, यानी कि बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है, उसको ITCN बोला गया है। तो ITCN जो फ्रेमवर्क है वो किसका है, क्वेश्चन बने तो स्मार्ट सिटी मिशन का है ITCN फ्रेमवर्क। तो पांच बेसिक ऑब्जेक्टिव है इनके, एक तो सेफ रखना है, ठीक है, प्लेफुल रखना है, बच्चे खेल सके, ठीक है, एक ही साथ में एक तरीके से यहां पर ये बात की जा रही है एक्सेसिबली, बेसिकली यहां पर मिलकर काम कर सके, एक तरीके से इकट्ठा बच्चे हो सके, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो बच्चे के एक्सेस में ही होना चाहिए। तो एक्सेसिबल बोला गया बेसिकली, तो बच्चा की पहुंच वहां तक पहुंच सके, ठीक है। आप लोगों ने कि अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें आप बनाई थी, और अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी तरीके से बच्चों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि बच्चे वहां तक पहुंच सके। तो ये बात बोलिए, सेफ होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि हर लेवल का बच्चा वहां पर आ सके, और सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे ग्रीन होना चाहिए वहां पर, ये काफी ज्यादा जरूरी है अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। प्रमोट करेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एम क्या है, ताकि जो अपॉर्चुनिटी है यहां पर अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर जो वल्नरेबल है सिटीजन के लिए, और स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन हैं, तो उनका ध्यान रखा जा सके। जो टोडलर है यहां पर उसको बोला गया अप्रोक्सीमेट 12 से लेकर 36 महीनों के बीच का जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको टोडलर बोला जाता है। तो ये यहां पर इसके चलते यहां पर ये बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है। तो एक डिफरेंट आइडिया आप लोग बोल सकते हैं, अच्छा है अगर इस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्मार्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, स्मार्ट लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं भी गंदगी फैला दी तभी स्मार्ट सिटी बनेगी, बिना स्मार्ट लोगों के स्मार्ट सिटी थोड़ी ना बन जाएगी। जब तक इंसानों की हरकतें नहीं सुधरेगी तब तक थोड़ी ना चीजें चलेंगी। स्मार्ट लिविंग होनी चाहिए, सेफ और हेल्दी वहां पर होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट गवर्नमेंट होना चाहिए, बिना गवर्नमेंट के भी स्मार्ट नहीं होगा। स्मार्ट एनवायरमेंट होना चाहिए, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग, यानी कि एक सोलर एनर्जी से चीजें काम करने वाली होनी चाहिए, और स्मार्ट इकोनॉमी होनी चाहिए वहां पर। प्रोडक्टिविटी और लोकल जो ग्लोबल इंटरेक्शन है वो सही लेवल पर होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन हमारी कंट्री में जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेसिकली जो अर्बन यानी कि शहरी वाला एरिया है उसकी प्लानिंग के लिए यहां पर लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में ये मिशन आता है, ओके। अब ये इसके मिनिस्टर कौन है, इसको जाकर आप लोग चेक करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम भी लिखेगा। ये छोटी छोटी चीजें, ये तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोलोगे सर यूपीएससी में कौन मिनिस्टर पूछ रहा है, यूपीएससी में नहीं पूछता, किसी छोटे से बच्चे ने पूछ लिया तो ये कहेगा भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता आपको। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, सोसाइटी में रहते हो तो छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए, और न्यूज में भी कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रहेगा कि अच्छा ये इंसान है, ओके, तो आप लोग उसका आइडिया लगा सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज, ये बेसिकली बात की जा रही है यहां पर जो न्यूज मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला जो फेसबुक है और जो गूगल है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो फेसबुक और गूगल को लेकर ऑस्ट्रेलिया जो था उसके द्वारा यहां पर एक लॉ प्रपोज किया गया, जिसको बोला गया था यहां पर न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी, जो बेसिकली बार्गेनिंग कोड बिल का नाम इसको दिया गया 2020। इसका मतलब क्या था कि फेसबुक और गूगल जो है जो मीडिया का जो कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहां पर ये बेसिकली उनको पे करेंगे, ऐसा यहां पर बोला गया था, और ये गूगल और फेसबुक को इन्फोर्स करने के लिए बोला गया। तो ये जो बिल है यहां पर, ये उसी बिल के बारे में बात की जा रही है। ये एक तरीके से यहां पर इंडियो पैसा कमाते हैं यहां पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू फेसबुक और गूगल। तो बोला गया कि मीडिया कंटेंट जो है उनको भी आप लोगों यहां पर देना है। तो ग्लोबल कोएलिशन करने की कोशिश की गई यहां पर, जो ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर हैं उनके द्वारा, जो यहाँ पर कनाडा, फ्रांस, यूके, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के साथ भी बात की, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, ताकि यहाँ पर इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये मीडिया हाउसेज जो है आज के टाइम में इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। अगर फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, कि एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं आ सकते आज के डेट में, क्योंकि इनके बेस जो है वो कई कई कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कंट्री, एक कंट्री ने इनको बैन कर दिया तो ये कहीं और से जाकर काम करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब कई सारी बड़ी बड़ी कंट्री जहां पर बहुत सारे इनके कस्टमर हैं, बहुत सारे इनके यूजर हैं, अगर वो ढंग से काम करने लगे तो ही इस चीज को ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कि बड़ी बड़ी कितनी कंपनी हो चुकी है। इवन यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इन कंपनी का अस्तित्व क्या हो चुका है।
पिछले कुछ दशकों में ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये किसी भी कंट्री के ऊपर भी भारी पड़ जाती है, इतना बड़ा इनका अस्तित्व हो चुका है। तो इसके चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बोला गया कि ये कंपनी बड़ी हो रही है, चलिए समझ में आता है, पर लेकिन मीडिया हाउसेज जो है वो इंडिपेंडेंट, अगर मीडिया इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं रहेगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो उनका इंडिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर वो उनका अस्तित्व खत्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अस्तित्व क्यों खत्म होगा, क्योंकि अगर पता चला उनको जो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है काम करने से, तो काम करना छोड़ देंगे, और काम करना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही कंडीशन बनेगी कि यहां पर ये फेसबुक और गूगल ये यूज किए जाएंगे मीडिया के तौर पर, और अपने हिसाब से ये किसी भी कंट्री में कुछ भी करा सकते हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो बिग टेक कंपनी है सोशल मीडिया जो जायंट है लाइक फेसबुक और गूगल जो है, इनको पे करना पड़ेगा लोकल जो न्यूज एजेंसी है, तो उनके साथ में इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा, और नेगोशिएट करने के बाद में चीजों को समझा जाएगा। तो इसके लिए कुछ चेंजेस के बाद में इनके द्वारा ट्रेजरी लॉ अमेंडमेंट जो न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड भी लाया गया है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2020 में। तो उसी के चलते यहां पर जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि लोकल पब्लिशर और जो ब्रॉडकास्टर है उनके बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट होगा, और अगर ये एग्रीमेंट जो है नहीं हो पाता है तो यहां पर उसके चलते आर्बिटर रहेगा जो एग्रीमेंट को कंप्लीट कराएगा, और अगर फिर भी यहां पर नहीं होता तो फिर एक हैवी फाइन लगाया जाएगा जो गूगल या फिर फेसबुक पर अगर कोई ऐसी कंपनी है, क्योंकि वो इसका मतलब एग्रीमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं। यानी कि एक तरीके से उनको थोड़ा सा तो डर होना चाहिए मन में कि हाँ इस तरीके से आप लोग अगर कंटेंट वगैरह यूज करें तो उसका फायदा पर जनता को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहां पर ये बात की जा रही है स्टेट के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर क्या क्या स्कीम चल रही है उसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा 1,100 करोड़ रुपए यहां पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए दिए गए, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है जो आप लोग यहां पर देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आसाम और नागालैंड को टच करता है, दो राज्य ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को यहां पर टच करते हैं। बाकी इधर बात जाएंगे तो आप लोग भूटान टच करता है, और इधर आएंगे तो आप लोग तिब्बत यानी कि चाइना टच करता है, और इधर आप लोग देखेंगे तो यहां पर म्यांमार टच करता है। वैसे इंटरनेशनल बाउंड्री 3 है अरुणाचल प्रदेश की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो हमारी कंट्री में एक कमेटी है, इसके द्वारा बोला गया है कि 32 रोड जो है वो फेज 2 के अंदर बनाई जाएगी, जिसमें इंडो चाइना बॉर्डर जो रोड है यहां पर उसके ऊपर जो स्कीम है उसको डेवलप किया जाएगा। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जा रही है, तो ये काफी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, क्योंकि अलोंग द बॉर्डर जो चाइना जो यहां पर बेसिकली कई बार चाइना भी यहां पर कई सारी बातें बोलते हैं, और चाइना के द्वारा भी ह्यूज डेवलपमेंट किया गया, तो इसलिए देख देख कर काम करना पड़ता है, पता चला दोनों कंट्री के बीच में झड़प ना हो जाए। तो मोस्ट प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये बेसिकली चाइना बॉर्डर पर, ये नॉर्थ और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और मोटरेबल यानी कि गाड़ी चलाने लायक यहां पर, इसी के साथ में जो एक तरीके से जो म्यूल होते हैं ये खच्चर होते हैं उनके लिए रास्ता फैसिलिटेटर, ताकि वहां पर सामान वगैरह पहुंचाया जा सके, तो इस तरीके का माहौल यहां पर बनाने की बात की जाती है, ताकि एक आने जाने लायक माहौल वहां पर बन सके, ठीक है। इसी के साथ में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं यहां पर, इससे क्या होगा अगर इस तरीके से रोड हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जो इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है तो उनके लिए काफी फायदा होगा, वो आसानी से निगरानी इस पर्टिकुलर एरिया में कर पाएंगे, और जो आर्मी है अगर उसके लिए भी सप्लीमेंट हम लोग को कुछ पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट रोड डेवलप की जाएगी ढंग से, ताकि जो मैन और मटेरियल को वहां तक पहुंचाया जा सके, तो एक अच्छा रास्ता रहेगा, तो आसानी से चीजें पहुंच पाएंगी। इंडोर चाइना बॉर्डर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्कीम के बारे में, तो कई सारी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था 2005 में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब सेकंड फेज के बारे में बात करें, तो ये जो सारी चीजें हैं फर्स्ट फेज की हैं, और ये जो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड फेज की हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फेज जो था यहां पर 2005 में, इसको डिसाइड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, और 27 जो प्रायोरिटी रोड है यहां पर लगभग 608 किलोमीटर की, ये अलोंग द जो चाइना वाला एरिया है उसके बॉर्डर के साथ में 912 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और अदर 14 जो रोड बनाई गई वो बनाई गई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको ब्रो बोलते हैं, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है आज की डेट में, पर लेकिन पहले के बारे में अगर बात करें तो पहले जो फंड लेती थी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से लेती थी, और बाकी आती थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, पर लेकिन आगे चल के लगने लगा यार दो दो मिनिस्ट्री के अंडर में सही नहीं रहती कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में इसको डालते हैं, तो यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाला जा सकता है कि यार रोड बनाने वाली है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में होगी, यानी कि नितिन गडकरी जी के अंडर में होगी, पर ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, इनके राजनाथ सिंह जी के अंडर में है।
एक और कंफ्यूजन किया जा सकता है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन बन सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी कंट्री में बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम करती है, ओनली लगा दिया, इसका मतलब ये कि इंडिया इंडिया के अंदर काम करती है, नहीं, इसके द्वारा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी काम किया गया, जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, जो देश है पड़ोसी, उनमें भी काम किया गया है, ठीक है। हालांकि श्रीलंका ज्यादा फ्रेंडली आज के डेट में बचा नहीं है, वो एक अलग बात है। फाउंड किया गया था 7 मई 1960 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में फाउंड किया गया था, हमारी कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, और इसके पिता श्री ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो मोटो है बोला गया कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। देखिए यहां पर बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, यानी कि एक तरीके से सर्वमेना सर्वम दे साध्यम, ठीक है। तो इसको यहां पर आप लोग इसमें भी बोल सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली इसको इंग्लिश में अगर याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, तो ये याद रखना, ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज है उसमें कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर यह दारबुक शियोक, ये है यहां पर दौलत बेग ओल्डी, जिसको DSBDO के नाम से आप लोग जानते हैं, पहला। दूसरा रोहतांग टनल इन लद्दाख, इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहां पर सेला टनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में रोड और रेल टनल यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में इंडियन रेलवे के साथ में, ठीक है। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट है जो मेन मेन जिनके बारे में याद रखते हैं। अभी जो अब मैंने आप लोगों को बताया लगभग 608 किलोमीटर की बात की जा रही है, पर लेकिन जो सेकंड फेज है उसमें यहां पर क्या किया जा रहा है, लगभग 638 किलोमीटर के लिए यहां पर 12,434 करोड़ रुपए करीब खर्च किए जाएंगे। इसमें 912 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन पर्टिकुलर एरिया में यह डेवलपमेंट किया जाएगा। ये कुछ मैप भी आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये जो डेवलपमेंट वाला एरिया है ये यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी नेटवर्क रोड कंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट फेज जो है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हल्का हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखते हैं पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एरिया है ये यहाँ पर डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो चाइना तिब्बत है इधर यहाँ पर, और ये अपनी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ इस तरीके से डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का बेसिकली डेवलपमेंट का एरिया है यहाँ पर ये। बाकी अगर अरुणाचल प्रदेश से आप लोग बिलोंग करते हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग बेसिकली इसको पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं। ईटानगर कैपिटल हो गई, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हो गए, इंपॉर्टेंट बड़ी याद रखते हैं यहाँ पर, ये हॉर्नबिल है, ऐसी ऐसी चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं आप लोगों से, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये जो बात कर रही है ये किसके बारे में है, साइंस एंड टेक के बारे में है। क्या बात की जा रही है यहाँ पर, टैपिंग वेस्ट हीट, यानी कि जो वेस्ट हीट है उसको टैप करने की बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंट्री में एक ऐसा प्रोडक्ट बेसिकली बनाया गया है, किसके द्वारा, ये यहाँ पर साइंटिस्ट बेंगलुरु के बेस, जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, उसके द्वारा, जो यहाँ के साइंटिस्ट है इनके द्वारा, AGSTE2 क्या बोला गया इसको, सिल्वर एंटोमनी टेलुराइड, ठीक है। तो इसका नाम है यहाँ पर सिल्वर एंटीमोनी टेलुराइड, तो ये है SAT के नाम से, वैसे याद रख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर AGSBT2 इसको बोला जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है, अगर कोई हीट निकल रही है तो उसको टैप कर सकता है, और फिर उस हीट को हम लोग यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये यूजफुल वर्क यहां पर माना जा रहा है। क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक जो मटेरियल है यहां पर, ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये क्या तरीका होता है, इसमें जो हीट है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग बोलते हैं ट्रेडिशनली। तो यहां पर जो यूज की जाती है दो डिफरेंट मेटल, उनको एक साथ में ज्वाइन कर, ठीक है। तो उससे यहां पर जो बेसिकली जो टू डिफरेंट टेम्परेचर पर यहां पर उनके एंड को कनेक्ट किया जाता है, ये आप लोगों ने इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जिक्र किया जाता है एनसीईआरटी के अंदर में भी, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब यहां पर रहेगा तो फिर यहां पर आप लोगों को चीजें जो है वो चलती हुई नजर आएगी। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो मोस्ट अगर बात करें आज की डेट तक, अगर इसकी जगह पर जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो लेड यूज किया जाता है, इनके सीसा यूज किया जाता है, पर लेकिन उसके काफी सारे एडवर्स इंपैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें या फिर ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो सिल्वर जो एंटीमोनी ये जो यहाँ पर टेलुराइड है, ये यहाँ पर एक नैनो मटेरियल है जो कि किस किस से मिलाकर बनाया जाता है, तो सिल्वर, कॉपर और इसी के साथ में जो टेल्यूरियम है उससे मिलकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको मिलाकर बनाया जाता है SCT, ठीक है, कुछ भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, तो इससे मिलाकर इसको बनाया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं। इसी तरीके से जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे पावर प्लांट वगैरह हो गया, डोमेस्टिक जो एप्लीकेशन हो गए, तो उनमें काफी लार्ज स्केल पर हीट निकलते हैं, तो वहां पर यूज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बोला गया कि लैपटॉप
जो यूज करते हैं उससे जो हीट निकलती है उससे मोबाइल चार्ज किया जा सकता है, और मोबाइल से अगर हीट निकलती है तो उससे एक स्मॉल छोटी सी घड़ी चार्ज की जा सकती है। तो ऐसे ऐसे यहां पर बेसिकली इसको यूज करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो इकोनॉमी के बारे में जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिसके द्वारा जो मॉडल बिल था यहां पर, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि यहां पर कंक्लूसिव लैंड जो टाइटलिंग, यानी कि किसकी जमीन किसके नाम पर है उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो नीति आयोग के द्वारा यहां पर एक प्रिपेयर किया गया था बिल, इसमें यह बोला गया था कि लैंड का जो टाइटल है वो यहां पर बेसिकली यहां पर कंफर्म होना चाहिए। होता क्या है, मान लीजिए आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम है और उसकी लड़ाई है अपनी फैमिली में उसके भाई के साथ में उस जमीन को लेकर, पर उसने वो जमीन बेच दी। अब आप में से किसी ने वो जमीन खरीदी तो अब आप लोगों के साथ में केस चलेगा। कहां पर ये केस चलेगा? आप लोगों का कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जमीन इसकी नहीं थी, इसने किसी और का भी हिस्सा आप लोगों को बेच दिया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बोला यह कहता कि सबकी जो जमीन का टाइटल है वो उसके नाम पर यहां पर होना चाहिए। तो इंडिविजुअल और जो गवर्नमेंट है यहां पर, ठीक है, तो इफिशियंटली ट्रेड कर सके। कल को मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्ट, कोई वहां पर मान लीजिए रोड बनानी है, कोई बांध बनाना है, तो गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है ना, तो आसानी से वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट खरीद सके। तो इसी के चलते यहां पर ये काम किया गया था कि इसको लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सिटीजन जो राइट है ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये एक ह्यूमन राइट है, यानी कि इंसान का जो हक है वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, और यहां पर ये सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में आज के डेट में बोला जा रहा है कि अगर बात करें लैंड की जो टाइटलिंग को लेकर, ये काफी बुरा मुद्दा है हमारी कंट्री में। नॉर्मली लैंड का टाइटल आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि किसके नाम पर है ये एरिया। जो लैंड रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखने की बात की जा रही है, तो उसके चलते यहां पर जो डिटेल है पास में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर होना चाहिए। पास में ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, करंट जो पोजिशन है वो कैसे कैसे निकल कर आते हैं, या तो किसी ने वो प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, जैसे कि मतलब खरीदी है, ठीक है, या फिर वो इनहेरिटेड है, यानी कि पेरेंट्स के पास में थी फिर बच्चों के पास में चली गई, या फिर मोर्टगेज, यानी कि एक तरीके से यहां पर गिरवी रखी गई है, या फिर पट्टे पर ली गई है। तो ये सब का पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का उस प्रॉपर्टी का। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो ओनरशिप जो टाइटल है वो यहां पर कंफर्म होना चाहिए, और जो लैंड टाइटल है यहां पर, लैंड रिकॉर्ड आप लोग बोल सकते हैं, एक्चुअली किसका ओन है, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर वहां पर उसको एक बार कंफर्म कर दिया गया कि यहां पर ये किसकी लैंड है और किसका है, तो फिर कोई भी अगर ऐसे मुद्दा होगा, कल को कोई लड़ाई होती है उस पर्टिकुलर लैंड को लेकर, तो गवर्नमेंट ओनर बन जा, गवर्नमेंट बेसिकली वहां पर एक मीडिएटर बन जाती है और वहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कॉम्पनसेशन देना है किसी दूसरी पार्टी को अगर कोई लड़ाई वहां पर निकल कर आती है। तो वहां पर एक तरीके से किसी भी कंडीशन में एक तरीके से बात की जाती है कि यहां पर अगर ओनरशिप लूज करने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग यहां पर कॉम्पनसेशन वगैरह देकर काम फिर उसको कर सकते हैं अगर उसके नाम पर एक रजिस्ट्रेशन पूरा है। तो इसी के साथ में अगर बात करें, लिटिगेशन काफी कम होगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक स्टडी के द्वारा यह बोला गया कि लैंड पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड द प्रॉपर्टी रिडक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो इंडिया के अंदर 2/3 है। यानी कि हमारी कंट्री पर जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है ना वो 2/3 बर्डन आप लोगों को यहां पर ओनली इन केसेस का देखने को मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नीति आयोग जो है अगर उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो उसके द्वारा बोला गया था कि नॉर्मली जो केस है ना जमीन के जो चलते हैं हमारी कंट्री में वो 20 सालों तक चलते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एवरेज केस चलने की बात की जा रही है 20 साल है, तो इसका मतलब यही कई सारे लोग तो इतने में निकल लेते हैं, केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर में, तो ये वाला फंडा जो है ये काफी खतरनाक है। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो कोर्ट को भी कोई और काम रहेगा, वो भी कोई और काम कर पाएगा और इससे अपना पीछा छुड़ा पाएगा, ठीक है। तो यह है बेसिक मुद्दा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर सर्वे एंड रिपोर्ट के बारे में, यहां पर बात की जा रही है ये मेकिंग पीस विद नेचर, यानी कि जो नेचर है जो एनवायरमेंट है उसके साथ में कैसे मिलकर आप लोग रहना है। तो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है जिसको UNEP आप लोग बोलते हैं उसके द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है मेकिंग पीस विद नेचर, यानी कि नेचर के साथ में पीस बनाकर आप लोग को रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली यहां पर 5th सेशन होने वाला है यूएन एनवायरमेंट असेंबली का, तो उससे पहले इसको प्रस्तुत किया गया। जो रिपोर्ट है यहां पर ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है कि क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन जो है ये तीन इतने बड़े खतरनाक आज की डेट में इंपैक्ट डालने वाले सोसाइटी के ऊपर, ये इतने खतरनाक प्राणी या फिर आप लोग विलन इनको बोल सकते हैं
कि आज की डेट में एक इमरजेंसी लाइक कंडीशन क्रिएट करते हैं। करंट जनता को तो मारेंगे मारेंगे, ये फ्यूचर जनता को भी लेकर डूबेंगे और अनएक्सेप्टेबल रिस्क यहां पर क्रिएट इनके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इतना ह्यूज रिस्क ये क्रिएट कर रहे हैं। आज के में अगर बात करें तो आर्टिक ओशन में आइस पिघल रही है, ठीक है, समर में, तो उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो वहां पर जो आइलैंड वाले एरिया है वहां पर लोगों की जान जा रही है, लोग डूब रहे हैं। और इसी की वजह से जो धरती पर पैदावार है, जो गेहूं वगैरह की, उनकी पैदावार भी आप लोगों को कम होती नजर आ रही है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कहीं ना कहीं खोजने पड़ेंगे अगर रियलिटी में हम लोग चाहते हैं चीजों को सही करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ आता है तो वहां पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है बोला जा रहा है कि ये आज के डेट में इसकी वजह से जंगलों में आग लगती हुई नजर आएगी और पानी की कमी होती ही नजर आएगी, तो ये इंपैक्ट आप लोग देखते हैं। लैंड डिग्रेड होती नजर आ रही है, यानी कि जो उपजाऊ जमीन थी वो भी बंजर होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो ड्रोथ कंडीशन है, यानी कि जो पानी नहीं देखने को मिलता है, वो सीरियस हो चुका है कई सारे रीजन में, इवन हमारी कंट्री में भी। अगर आप लोग बात करिए मोर देन 1 बिलियन के करीब एस्टिमेट यहां पर लगाया जा रहा है, मोर देन 1 मिलियन, ठीक है, ऑफ एस्टिमेट जो 8 मिलियन थे, जो बेसिकली उनमें से प्लांट एंड द एनिमल जो स्पीसीज है वो रिस्क में पहुंच रही है एक्सटेंट के, यानी कि आप लोग बात करिए कि लगभग 8 मिलियन जो प्लांट और जो एनिमल है उसमें से मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख के करीब, ये यहां पर एक्सटेंट की कैटेगरी में पहुंच रहे हैं। इसमें कोरल रीफ के बारे में अगर बात करिए, कोरल रीफ समुद्र के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो भी वनरेबल की कंडीशन में आज के डेट में आ रहे हैं, लगभग 10 से लेके 30% के करीब ये यहां पर बोला गया है। 1.5 अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर डालेगा। और ये बेसिकली फूड प्रोविजन, टूरिज्म और इसी के साथ में बेसिकली जो कोरल प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात की जाती है, तो ये उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप लोग यहां पर नजर आएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। अगर टेम्परेचर यहां पर 2 तक बढ़ जाता है तो ये सारी चीजें खत्म होती नजर आएंगी। एवरी 9 मिलियन जो पीपल हैं वो डाई कर रहे हैं प्रीमेच्योरली, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 80 या 90 की एज में जाकर अगर मरता है तो फिलहाल यहां पर प्रीमेच्योर डेथ होता है कि इंसान की एज होने से पहले ही मर जाना। तो 9 मिलियन का मतलब है कि 90 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस की वजह से, यानी पोल्यूशन की वजह से आज के में मौत के घाट उतर रहे हैं। 400 मिलियन टन जो है वो हैवी मेटल टॉक्सिक जो स्लज होता है बेसिकली मलबा, इसी के साथ में इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है ये एनुअली आप लोगों को यहां पर ये वाटर के अंदर मिलते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो अलग अलग जो इंडस्ट्री है यहां पर वो वाटर को पोल्यूट कर रही है। तो करंट जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिनको बोला गया था 2015 में कि इनको आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे 2030 तक का, तो वो टफ लग रहा है आज के डेट में 5 साल के बाद में कि इनको अचीव नहीं कर पाएंगे। रही सही जो कसर थी वो पूरी कर दी कोरोना वायरस ने कि लग नहीं रहा है कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कमिटमेंट रखना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे लिमिटेड करना है जो एनवायरमेंट को डैमेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते क्या क्या करना चाहिए तो उसके बारे में कुछ बातें बताई गई है। तो टारगेट क्या है यहां पर, सबसे पहले तो बोला गया कि डिग्रेड जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको आप लोगों को रोकना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अच्छी टारगेट जो है उनको अचीव करना पड़ेगा। और जो टारगेट है यहां पर पेरिस एग्रीमेंट उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते हैं, अब यहां पर ये है अच्छे टारगेट, इनके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। टोटल मिलाकर अगर बात करें आप लोगों से तो 20 टारगेट है यहां पर, पोल्यूशन को कैसे कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, पब्लिक के लिए कैसे अवेयरनेस फैलानी है, नेचर का लॉस कैसे कम करना है, तो ये सारी ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, नॉलेज को कैसे ट्रांसफर करना है, रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है, तो टोटल मिलाकर 20 टारगेट है। तो याद रखिएगा अच्छी जो टारगेट है उसके अंदर 20 टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोगों को टोटल मिलाकर 17 टारगेट देखने को मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये अच्छी या फिर आईची इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये जो बेसिकली कहां पर लोकेटेड है, तो जापान के अंदर ये लोकेटेड है, तो वहां पर ये टारगेट रखे गए जिसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ता हूं। एग्रीकल्चर और यहां पर बेसिकली फूड के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में भी सेंट्रल के द्वारा बोला गया राज्य को कि यार आप लोग एक काम कीजिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किसानों का इकट्ठा कीजिए आप लोग, यानी कि किसानों से रिलेटेड जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो आप लोगों को लेना है, यानी कि ये पर्टिकुलर किसान जो है उसकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आधार कार्ड है उसमें सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन तो है, तो फिर अलग से किसानों की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। चलिए जो भी है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आप लोग इकट्ठी करनी है, तो उत्तर प्रदेश जो है और इसी के साथ में ऑलरेडी इकट्ठी कर चुके हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस पाथ पर लगे हुए हैं। तो यहां पर बात की जा रही है ताकि कटिल डाउन किया जा सके जो मिडिल मैन है, एंश्योर किया जा सके ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और ताकि फार्म जो प्रोड्यूसर्स को प्रोक्योर किया जा सके, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी मनसा के साथ में चाहती है
कि जो बेनिफिट है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो किसानों तक पहुंचे। तो इसके चलते जो भी बेसिकली पेपर वर्क होता है यानी कि कागज पत्र का जो वर्क होता है या जो लीकेज होता है, स्पीडी जो प्रोक्योरमेंट अगर करना है किसानों का सामान, पेमेंट सेटलमेंट करना है 72 घंटे के अंदर अंदर उसको किया जा सके और किसानों की जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है उसमें फायदा मिले। तो इसी के चलते यहां पर अगर ये डेटा रहेगा प्रॉपर किसानों का तो यहां पर कोई इनको चीट भी नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दिया जाएगा जितना भी प्रोक्योरमेंट उनका किया जाएगा। पर लेकिन किसान जो है उनका सबके पास में आधार कार्ड तो है, अगर वहां से वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन उठाकर वो सारे काम के लिए तो आधार कार्ड बेसिकली लिया गया था। अब ये अलग अलग से किसानों से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना, फिर से बायोमेट्रिक आप लोग ये देख लीजिए ना बस, इसमें से किसान कौन कौन है और उनका आधार कार्ड आप लोगों के पास में सबके डेटा ही है तो फिर उसको उससे मैच करके कर लीजिए। चलिए जो भी है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बाकी आप लोग इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग बताएगा कि इसका आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन तो है ना आप लोगों के पास में, बस ये देखिए किसान कितने हैं यहाँ पर जिनके नाम पर रजिस्टर लैंड है जो खेती कर रहे हैं, अब उनको उस हिसाब से चेक कर लीजिए फिर। चलिए जो भी है हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वॉश के बारे में, इसको बोलते हैं वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर बात करें पानी जो है वो स्वच्छ है, साफ सफाई अगर आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसके चलते आप लोगों को एक बात नजर आएगी कि आप लोगों को यहां पर बहुत सारे लोग हैं वो बीमारी से बचते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली बोला जा रहा है कि 2.1 बिलियन जो पीपल हैं ग्लोबली वो लैक ऑफ सेफ वाटर की वजह से रिस्क में रहते हैं, यानी कि सही पानी नहीं मिल पाते हैं इसकी वजह से दिक्कत रहती है। तो यहां पर जो यूनिसेफ है उसके द्वारा 2019 में WHO के साथ मिलकर पॉइंट आउट किया गया कि 1 in 4 हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है लैक ऑफ बेसिक वाटर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, 1 in 5 जो बेसिकली बात की जा रही है यहां पर कोई सैनिटेशन देखने को मिलेगा और 42% जो है कोई हाइजीन देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये खतरनाक लेवल पर ये चीजें रहती हैं, इसी की वजह से दुनिया भर की बीमारी देखने को मिलती है। बोला यह जाता है कि 8,27,000 जो लोग हैं लो और मिडिल इनकम कंट्री के अंदर में वो बिना साफ सफाई और इसकी जो बेसिकली ये पोल्यूशन होता है वाटर का उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। वाटर सैनिटेशन हाइजीन होना चाहिए तो चीजें बचाई जा सकती हैं। अप्रोक्सीमेट नियरली अगर आप लोग बात करें 2,97,000 बच्चे जो हैं 5 साल के अंदर के यहां पर उनको अगर बात करें तो वो जो चीजें हैं उसके बेस पर उनको बचाया जा सकता है, उनकी भी जान चली जाती है, यानी कि साफ सफाई की वजह से बच्चे को डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो डायरिया की वजह से दुनिया भर के बच्चे जो हैं वो बचपन में ही उनकी जान जाती है। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग यहां पर इसको प्रॉपर में इंप्लीमेंट करेंगे तो ही आप लोग यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फॉलो करके चल पाएंगे। अगर बात करें 6ठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आप लोगों के सामने, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए उंगलियों पर, ठीक है। अगर बात करें पहला पॉवर्टी के बारे में बात करें, दूसरा गरीबी के, तो इस तरीके से अगर 6ठे गोल पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहां पर, तो जो 6ठा गोल है यहां पर ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के अंदर यहां पर 6ठे गोल के अंदर यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सैनिटेशन फॉर ऑल, बेटर वाटर क्वालिटी सबके लिए प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर बोल सकते हैं। हेल्थियर इकोसिस्टम होना चाहिए, अगर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हो तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। तो ये 6ठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से ये पार्ट निकाला गया है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोगों को अचीव करना है तो वो वाली जो फैसिलिटी है वो फॉलो करके आप लोगों को चलनी पड़ेगी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग की क्या राय है आप लोग जरूर बताएगा। आगे चलते हैं, ये बात की जा रही है एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो चेरापूंजी जो है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब बोला जा रहा है चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश नहीं होती है, अब यहां पर जो मॉनसून नाम है यहां पर सबसे ज्यादा बारिश आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी दुनिया की। मॉनसून नाम जो रिसीव करते हैं यहां पर ये 10,000 मिलीमीटर रेन ईयर यहां पर ये रिसीव कर रहे हैं। रेनफॉल जो पैटर्न है यहां पर ये पास्ट 119 ईयर का जो पीरियड निकाला जाता है 1901 से लेकर 2019 तक का, तो चेरापूंजी में जो है अब यहां पर कम पानी देखने को मिल रहा है अगर बात करें एज कंपेयर टू जो यहां पर मॉनसून नाम में आप लोग बात करिए। इसके चलते यहां पर बोला गया कि जो स्टडी है यहां पर ये रेनफॉल का जो पैटर्न है यहां पर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है 0.42 मिलीमीटर पर डिकेड, यानी कि हर डिकेड में थोड़ा कम पानी यहां पर नजर आ रहा है और इसका रीजन ये है कि जो चेंज हो रहा है इंडियन ओशियन यानी कि जो इंडियन समुद्र है उसमें टेंपरेचर का जो चेंज हो रहा है उससे इसके ऊपर काफी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में दूसरा जो हमारे द्वारा इनके इंसानों के द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से तो वो भी रेन पैटर्न को यहां पर चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों से पूछे कि कोई क्या क्या इंपैक्ट है यहां पर, तो सैटेलाइट की इमेज अगर आप लोग देखिए सैटेलाइट की वजह से जो डेटा प्रस्तुत हुआ है उसमें बोला जाता है कि जो वेजिटेशन एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यानी कि जो खेती बाड़ी की जाती थी पेड़ पौधे उगाए जाते थे उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो ये काफी बड़ा रोल आप लोग बोल सकते हैं पिछले 2 दशक में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस यहां पर जो बेसिकली इंसानों की हरकतों की वजह से देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें जो यहां पर क्रॉप लैंड है
क्रॉप लैंड जो है वो यहां पर इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले खेती करने वाली जमीन कम थी, अब खेती करने वाली जमीन ज्यादा हो गई है। तो इसके चलते 2006 से काफी लार्ज स्केल पर ये जमीन बढ़ गई है, और यहां पर जो जमीन बढ़ेगी तो वहां से पेड़ पौधे काटे जाएंगे, नॉर्मल खेती की जाएगी, तो उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ता है जमीन के ऊपर। यहां पर झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर एक एरिया है, मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा जंगल है, पहले क्या करेंगे यहां पर कुछ पेड़ पौधे काटेंगे, तो पेड़ पौधे काटेंगे तो यहां से खेती करेंगे फिर यहां पर ये कुछ सालों तक खेती करने के बाद में आदिवासी इसको छोड़कर फिर यहां पर कहीं चले जाएंगे, फिर यहां पेड़ पौधे काटेंगे, यहां इसको इस तरीके से खेती बाड़ी करेंगे कोई 5-7 साल तक, फिर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे जो झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यहां पर ये एक्टिविटी है, तो ये भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफोरेस्टेशन में, यानी कि इसकी वजह से पेड़ पौधे काफी ज्यादा खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ये हाईली सेंसिटिव है रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट की वजह से, काफी अच्छा टेम्परेचर नॉर्मल वहां पर रहता था, पर लेकिन अब जो वहां पर डेवलपमेंट की बातें करते हैं उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें निकल कर आ रही है। इसकी वजह से जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधों की जो वहां पर जो खेती बाड़ी है वो भी काफी कम होती नजर आ रही है। लगभग 80 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड में है 18, तो उनमें से एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ग्रीनरी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, पर लेकिन क्लाइमेट के चेंज के भी सेंसिटिव है, यानी कि क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो यहां पर चीजें बदलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो वेजिटेशन जो यहां पर फॉरेस्ट एरिया में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में वो फिलहाल अभी यहां पर कम हो रहा है। इसी के साथ में सॉलिड वेस्ट और जो वाटर मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजी भी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ये भी एक दिक्कत है। और क्लाइमेट जो सेंसिटिव रीजन है यहां पर ये काफी लंबे समय से, तो यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं, बेसिकली घुमा फिरा के ना बोला जाए, अगर सीधे सीधा बोला जाए तो इंसानों के द्वारा जो गंदी हरकतें की जा रही हैं अपने फायदे के लिए, एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को, ये बोल सकता हूं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, तो ये था टोटल आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। अभी एक क्विज होगा, उसको देखता हूं कितना अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है, तो उसको अटेम्प्ट किया कीजिए और रिवीजन कर जरूर जाया कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, आई होप कि नया कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहां पर न्यूज मीडिया और डिजिटल के बारे में जाना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चल रहा है वो समझा, नेशनल न्यूज में स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से उनको बनाया जा रहा है, इसी के साथ में स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जाना, राज्य में इंडिया बॉर्डर एरिया में क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है चाइना के साथ में, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। अच्छा हाँ, डायरेक्टर जनरल कौन है इसके ये बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया था, तो इसके बारे में बताइएगा। बाकी हम लोगों ने यहां पर इकोनॉमी के बारे में, लैंड टाइटलिंग के बारे में कुछ बातें जानी, क्या क्या चीजें हैं। साइंस एंड टेक में यहां पर जो टैप करने की बात की जा रही है, वेस्ट हीट, जो वेस्ट हीट होती है उसको कैसे टैप किया जा सकता है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में, मेकिंग पीस विद नेचर, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का है ये, याद रखना। बाकी जो बाकी हम लोगों ने यहां पर ये आईची टारगेट के बारे में जाना, तो टोटल मिलाकर 20 है याद रखना, और जापान की सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फूड एग्रीकल्चर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में जाना, क्या बात की जा रही है। वॉश वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, इसी के साथ में मोनसीराम और चेरापुंजी में क्या क्या चीजें हैं वो समझी, ठीक है, डिटेल में। और बाकी शानदार तरीके से आप लोगों ने लेक्चर सुनी लिया, आइए अब देखते हैं कितना शानदार सुना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर आइंस्टीनियम के बारे में, तो यहां पर कौन सा हाइड्रोजन बम कब छोड़ा था, तो पहला हाइड्रोजन बम था कब छोड़ा था ये बताना है, XR की फुल फॉर्म बतानी है, और जीरो एमिशन कब तक इसके द्वारा बोला गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट है किसके द्वारा ये बोला गया है, किसके द्वारा स्टडी की गई बोला गया, लैंड पॉलिसी को लेकर 2/3 केसीजीसी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस जो साइंटिफिक रिसर्च है बेंगलुरु के अंदर में, इसके द्वारा एक नया मटेरियल खोजा गया जो कि हीट को टैप करता है, यानी कि हीट को कंज्यूम करता है, जिसका नाम है AGST2, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहां पर मेकिंग पीस विद नेचर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया इसको, और ये यहां पर चेरापुंजी जो है उसको हटाकर एक और कोई एरिया जो है वो यहां पर सबसे गीला स्थान बन चुके हैं। बाकी मोनसी नाम जो है वो कहां पर पाया जाता है, मेघालय के अंदर में, ठीक है, चेरापुंजी भी मेघालय के अंदर में है, तो हिली एरिया कौन सा है ये आप लोगों को बताना है इसके बारे में। क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए UNCRPD, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में बात की जा रही है, ताकि डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए। डिसेबिलिटी के बारे में बात करिए, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये 7 से लेकर 21 हो गई है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, सॉरी 7 से लेकर 21 हो गई है, मतलब चलो आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था नाथुला पास में, तो इंडिया और किस कंट्री के बॉर्डर पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, थीके? कौन सी प्रोविंस है यहां पर चाइना के अंदर जिसको API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बहुत बढ़िया,
एक और आंसर बता दिया, एपीआई की फुल फॉर्म चलिए बतानी थी आप लोगों। तो यहां पर बताइए कौन सी प्रोविंस है जहां पर एपीआई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आईजीएमडीपी ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा डिलिमिटेशन जो एक्ट है उसके बारे में बात की गई, तो आर्टिकल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया और मॉरिशस के बीच में सीईसीपीए, ये पहली बार अफ्रीकन कंट्री के बीच में देखने को मिला, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। फर्स्ट इंडियन जो बस थी वो कहां पर चलाई गई, हाइड्रोजन के साथ में सीएनजी का मिक्स कर, ये बताना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में लाया गया और ये 7 से लेके 21 बढ़ाया गया, इसको पहले 7 डिसेबिलिटी अब 21 कर दिया गया, और इसमें जो यहां पर ऑटिज्म है ये भी इसका पार्ट बन गया। ठीक है, आर्मी के द्वारा यहां पर जो बेसिकली कई सारे लोगों को बचाया गया, तो नाथुला आप लोगों ने पास भी देखा था, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पड़ता है सिक्किम के अंदर में। हुबी प्रोविंस है यहां पर चाइना के अंदर में, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करती है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा चलाया गया था, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। आर्टिकल 82 बात करता है बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। इंडिया और मॉरिशस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बारे में बात की। दिल्ली जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बन चुके हैं जिसके बारे में बात करते हैं, जहां HCNG यानी कि हाइड्रोजन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज की गई। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन, तो अच्छे से ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का, और लेक्चर अगर पसंद आता है तो उसको जरूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, और लेक्चर का फीडबैक देकर जरूर जाइए। और इसी के साथ में जो सुबह उठ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से एक तरीके से वो नहीं कहते कि थम्स अप, ठीक है, तो क्योंकि जिसके उठना है उसकी बात करूं, जिसको नहीं उठना है जो बेसिकली अपना कुछ और पैटर्न फॉलो करता है वो करते रहिए, पर जिसको उठना है उसके लिए थम्स अप की बात करूं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी और अच्छे से पानी पीते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।